So good evening students. So welcome back to our YouTube channel Unknown Physics. Myself Rahul Chaudhary. So आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे क्लास 12th का, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो आज हम लोग बेसिकली पहले नंबर प्रीवियस जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड की थी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूँ. देखिए हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक अगर बात करूँ तो हम लोग ने सिंपली ये पांच चैप्टर को कैसे सीक्वेंस के बेस पे एक दूसरे से इंटरलिंक करना है हम लोग ने अभी तक इस चीज के बारे में क्लियर कर चुके थे. सो आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है इस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने लगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, किस तरीके से है, हम लोग इन चीजों को स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग किसी भी चैप्टर के अंदर थ्रो आउट होने की कोशिश कर रहे हो या चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो हमेशा याद रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उसकी इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करिए. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जिसके बिहाइंड रीजन क्या आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा. मैं एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए आप लोगों ने बड़ी बार ये चीज देखी होगी कि हमेशा मूवी रिलीज होने से पहले हमेशा ट्रेलर रिलीज किया जाता है. अब अगर ट्रेलर रिलीज किया जाता है तो ट्रेलर क्यों रिलीज किया जाता है इस चीज के बारे में समझते हैं. तो देखिए आप लोगों ने वो 5 मिनट के ट्रेलर से आप लोग ये पूरी मूवी में चलना क्या है इस चीज के बारे में एनालाइज कर लेते हो. इस 5 मिनट के ट्रेलर में अगर बात करता हूँ आप लोग उस 2.5 घंटे या 3 घंटे की मूवी में एक्टर कौन है, विलन कौन है, उसमें क्या कहानी चलने वाली है, इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेते हो. इसी तरीके से अगर बात करता हूँ तो चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी हमेशा काम क्या करती है आप लोगों को एक ट्रेलर का काम करती है. अगर आप लोगों को ट्रेलर समझ आ जाता है तो समझिए आप लोगों को आगे जो पूरा चैप्टर चलने वाला है वो 2.5 घंटे की जो मूवी चलने वाली है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी. तो इसलिए आप लोगों को ये 5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है वो हमेशा आप लोगों को एक माइंड सेटअप करवाता है कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना क्या. तो इसलिए हमेशा जब भी आप किसी भी चैप्टर में जा रहे हो थ्रू आउट द किसी भी चैप्टर में इवन की छोटी क्लासेस में जो क्लास 12th में अगर बात करें तो हमेशा पहले नंबर उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करिए. अगर चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ में आ गई तो समझिए आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आप लोग उन चीजों में क्या पॉइंट पढ़ने वाले हो अभी उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में समझाता हूँ. सो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बात करूँ तो हम लोगों को कुछ पहले क्वेश्चन अराइज करने पड़ेंगे अपने माइंड में क्या एग्जैक्टली हम लोग इनमें पढ़ने वाले हैं. सो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बात करूँ तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं. और इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक पार्ट है एनर्जी का, जहाँ हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के नाम से जान सकते हैं. एनर्जी बड़े सारी टाइप्स की होती है, इवन की आप लोगों ने क्लास 11th में इस चीज के बारे में स्टडी किया था. एनर्जी हमारे पास अलग अलग टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस तरीके से हमारे पास और भी बड़ी सारी टाइप्स की एनर्जी प्रेजेंट होती है. इसी तरीके से एक टाइप की एनर्जी जिस टाइप की एनर्जी को हम लोग नाम कह देते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो बेसिकली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे. अब अगर बात करूँ तो इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग कौन कौन से फिनोमिना के बारे में क्लियर कर पाएंगे और इससे पढ़ के हम लोग कौन कौन से रीजन क्लियर कर पाएंगे इन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं. तो देखिए इनकी कॉमन एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ. इवन कि आप लोगों ने ये चीज देखी होगी जब भी बारिश होती है, ये चीज आप लोगों ने एग्जाम्पल पहले भी देखी होगी कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने पर अगर बात करें तो आप लोग थंडरिंग देखते हो. वो थंडरिंग अगर बात करें तो क्यों होती है और इसके बिहाइंड रीजन क्या है बेसिकली अगर बात करूँ तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही हिस्सा है, तो जो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आके पढ़ोगे. इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ. जैसे मान लीजिए आप घर पे कहीं नेट बोल्ट ले रहे हो, अगर मान लीजिए एक नेट ले रहे हो आप उसके ऊपर बोल्ट को इस तरीके से अपडेट करवा रहे हो, टाइट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो टाइट हो जाता है, कभी भी वो नीचे की तरफ फिर से गिरता नहीं है. अब पूछा जाए क्यों और इसके बिहाइंड भी रीजन क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी ही काम कर रही है, जिसे हम लोग कहाँ पे आके पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में आके पढ़ते हैं. इसी तरीके से अगर बात करें और भी नेचर में बड़े सारे फिनोमिना हो रहे हैं. इवन कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में जब आप लोग कंबल या अरजाई वगैरह ओढ़ रहे हो तो आप लोगों को एक क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है और इस क्रैकिंग साउंड का रीजन क्या और इवन कि आप लोगों को स्पार्क्स भी दिखती हैं, तो इनके बिहाइंड रीजन क्या है इन चीजों को भी हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे.
तो ये सब रीजन अगर बात करें, इन सबके बिहाइंड रीजन क्या है, बेसिकली चार्ज की पॉइंट की कहानी है। अब वो चार्ज क्या था, किस तरीके से है, इन चीजों के बारे में हम लोग आज स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी जिससे आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली हमारा माइंड सेटअप वैसा बन चुका है कि हम हमारे दिमाग में ऐसे वाले क्वेश्चन पहले से ही अराइज होते थे, अब इनके बिहाइंड रीजन क्या है आप लोगों को यहाँ से आंसर मिलते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस चैप्टर को स्टार्टअप करते हैं। आज का हमारा पहला बेसिक पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या। सो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करूं तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज के बारे में बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे एक पागल आदमी की बात कर रहे थे, एक कॉमन सी एग्जांपल ली थी, वो पागल आदमी, आप लोगों ने पागल आदमी को ही बार बार कंपेयर करके आगे आगे फर्दर चैप्टर की डिविजन की थी। इसी तरीके से हमारा एक चैप्टर जिस चैप्टर का नाम डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये पागल आदमी किस पोजिशन में था, डेट इज रुका हुआ एक जगह पे, कोई चार्ज अगर रुका हो, डेट इज चार्ज के ही रेस्ट पोजीशन पे हो, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो वो क्या क्या फिनोमिना हम लोगों को करके दिखाने वाला है, इन चीजों को हम लोग स्टडी करने लगे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। सो इसमें बेसिक चीज है कि जब आपका चार्ज कहीं रेस्ट पोजीशन पे होगा उसके कारण क्या क्या बेसिक फिनोमिना होने वाले हैं, उन चीजों को हम लोग स्टडी करने लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाके। सो इसी तरीके से देख लीजिए, मैंने वैसे ही इसकी डिफाइन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। अब इसी के आगे अगर बात करता हूं तो मैंने इस चैप्टर को टोटल चार हिस्सों में डिवाइड करके रखा होगा। अब चार फर्दर इसके सब चैप्टर बनाए हैं, इवन कि अगर आप लोग कहीं अलग अलग बुक्स पे अगर बात करो तो इसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ। जैसे अगर आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज अगर बात करें कैपेसिटर, इन दोनों को मिला के फर्दर एक चैप्टर बनाया गया। अगर आप कहीं प्रदीप को फॉलो कर रहे हो तो प्रदीप में इस तरीके से इसकी चार डिविजन्स बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये चार डिविजन्स के बेस पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, हमेशा रिलेट करके पढ़िए। और रिलेट करके पढ़ने पर आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक को भी अपने यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे अगर बात करता हूँ यहाँ पे जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो डिविजन्स की है, ये वैसी ही है सेम, जैसे अगर बात करूँ तो क्लास 11th में आप लोगों ने ग्रेविटेशन की डिविजन्स देखी थी। इवन कि जब आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे सिंपली अगर बात करूँ उसकी भी टोटल चार डिविजन्स बनाई गई थी। पहले नंबर डिविजन में अगर बात करूँ तो वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है इस चीज के बारे में स्टडी किया था। सेम ऐसे अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, इसलिए दोनों में देख लीजिए। पहले पॉइंट पे वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पॉइंट पे अगर बात करूं तो वहां पे आप लोग ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, जो हमारा सेकेंड सब चैप्टर बना था क्लास 11th में, उसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे अगर बात करूं तो उसी सब चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से वहां पे आप लोगों ने थर्ड नंबर पॉइंट को क्लियर किया था, वहां पे नाम रखा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे अगर बात करूं तो आप लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, डेट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी तरीके से वहां पे फोर्थ नंबर था सैटेलाइट और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ गए कैपेसिटर। अगर आप ऑलमोस्ट क्लियर, अगर आप लोग कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करोगे आप लोगों को इनकी डिविजन कैसे है, इट मीन्स उसमें कुछ वर्डिंग आपकी सेंस पॉइंट एक जैसी रहेगी, तो आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में इस चीज को क्लियर कर पाओगे। और दूसरा नंबर तरीका ये है कि आप लोग जब भी किसी के साथ कंपेयर करके पढ़ते हो तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप प्रीवियस चैप्टर को भी साथ साथ में रिवाइज करने की कोशिश करते हो। ओके, सो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि मैंने ये चैप्टर की अगर बात करूँ तो टोटल चार डिविजन बना चुका हूँ। अब अगर बात करूँ तो उसमें से आज हम लोग सबसे पहला जो सब चैप्टर है, जिस सब चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब पहले नंबर अगर बात करूं तो मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जब भी मैं कोई भी टॉपिक आप लोग करवा रहा हूँ उस टॉपिक में हमेशा मैं ये चीज पक्का ध्यान रखता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं किसी एक टॉपिक को सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ और उसमें किसी प्रीवियस ईयर्स की अगर बात करें या प्रीवियस क्लासेस की अगर बात करें, कोई टॉपिक आपका यूज किया जा रहा है यहाँ पे, तो वो हमेशा मैं आप लोगों को साइड पे व्हाइट बोर्ड के साइड पे लिखवाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा इसमें कौन सा फिनोमिना या कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज किया जा रहा है, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस चीज के बारे में क्लियर रहेगा। ठीक है,
अभी अगर बात करें तो हम लोग बेसिकली आज हम लोग पहला सब चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिस सब चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के हम लोग पहले नंबर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन से इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए हमारे नेचर की अगर बात करते हैं, हम लोग नेचर से इस चीज को लेकर चलते हैं, तो नेचर हमारा टोटल दो हिस्सों से बना हुआ है। हमारा नेचर जो है वो टोटल दो हिस्सों से बना हुआ है। एक हिस्से का नाम रखा गया दैट इज नोन एज मैटर, जिनसे सिंपल अगर वर्डिंग में अगर बात करें तो क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा नेचर टोटल दो हिस्सों से बना हुआ है। एक का नाम रखा गया मैटर, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल, एंड सेकेंड का नाम रखा गया रेडिएशन। तो हमारा नेचर सिर्फ और सिर्फ इन दो हिस्सों से बना हुआ है। अब अगर बात करें तो मैटर क्या है, मैटर उसे कहेंगे जिसके पास मास प्रेजेंट होगा, जिसके शेप होगा, जिसके पास वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, जिसके पास मोमेंटम होगा, और उसके पास एनर्जी भी होगी, और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से वो हम लोगों को कुछ काम करके दिखाएगा, उसे एग्जैक्टली हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। सो आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि मैटर एग्जैक्टली अगर बात करें तो किसे कहेंगे, इसके पास मास प्रेजेंट होगा, शेप प्रेजेंट होगी, एनर्जी प्रेजेंट होगी, वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, मोमेंटम प्रेजेंट होगा, और उस एनर्जी को यूज करके हम लोगों को कुछ काम करके दिखाएगा, इसे एग्जैक्टली हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इवन कि हम लोग ह्यूमन बॉडीज की अगर बात करें तो हम लोग भी एक मैटर है, और इवन कि ये मार्कर भी अगर बात करूं तो ये भी हमारे लिए क्या, मैटर है। इसी तरीके से हमारा दूसरा हिस्सा जिसे हम लोग रेडिएशंस कहते हैं, इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए अगर मैं एक लेजर की लाइट को यहाँ से फेंकता हूँ, ये लेजर की लाइट यहाँ से आती है और ये काम क्या कर रही है, ये भी यहाँ पे मुझे एनर्जी देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एनर्जी अगर बात करूँ लेजर की लाइट, लाइट इटसेल्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ पे आके वो एनर्जी देने की बात करती है। तो इट मीन्स अगर बात करूं तो हमारे रेडिएशन के पास भी क्या प्रेजेंट होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है। बस फर्क इस चीज का है कि जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैटर के पास है वो शायद रेडिएशन के पास ना हो, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका एक जैसा है। इसके पास भी एनर्जी थी और इसके पास भी एनर्जी है, बस फर्क इस चीज का है कि इसके पास मास प्रेजेंट नहीं है। बट अगर बात करता हूँ इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उस अलग प्रॉपर्टीज की अगर बात करूँ तो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। देखिए अगर बात करूँ तो इसके पास वेवलेंथ प्रेजेंट होती है और इसके पास वाइब्रेशंस प्रेजेंट होती है। इवन कि आप लोगों ने ये रेडिएशन के बारे में अगर बात करूँ तो फर्दर आगे जाके एडवांस फिजिक्स में पढ़ोगे, जब आप लोगों एडवांस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ाएंगे, हमारा एक टॉपिक आएगा, एक चैप्टर आएगा, जिस चैप्टर का नाम क्या रखा जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करें तो वहां पे हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को रेडिएशंस की और एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेलफोन यहाँ पे आया, और सेलफोन में अगर बात करता हूँ तो वहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल के आती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बात करें तो जैसे आती है तो इस फोन के अंदर एंटर करती है और मेरा फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ही ऑब्वियसली होता है कि घर पे आपका फोन पड़ा हुआ है और फोन वहां से किसी ने, आपके रिलेटिव ने आपको कॉल किया और आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेट करने का रीजन क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, उस फोन के अंदर एंटर की, और एंटर करने के कारण अगर बात करता हूँ तो सेलफोन को एनर्जी देना स्टार्ट की, और इस एनर्जी के कारण अगर बात करते हैं ये फोन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। सो हम लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि अगर बात करें नेचर के जो दो हिस्से थे जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस नेचर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों के पास एनर्जी पक्का प्रेजेंट है, और दोनों एनर्जी को अप्लाई करके हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करके दिखाते हैं। सो अभी अगर बात करें तो हम लोगों को ये क्लियर हो चुका था कि नेचर के दोनों हिस्सों के पास एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो अभी हम लोगों ने काम क्या किया, फर्दर अगर बात करूं तो उस मैटर के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। मैटर के पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज रहती है, जिस स्पेशल प्रॉपर्टीज की अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो वो किसी भी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अगर वो फोर्स अप्लाई कर सकता है तो आप किस तरीके से, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए, देखिए मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, मैंने ये हाथ को आगे लेके आया और यहाँ पे आके इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट की। मैं अगर बात करूँ अपने आप की तो मैं खुद इटसेल्फ एक मैटर हूँ, और मैटर ने अगर बात करूँ तो यहाँ पे आके फोर्स अप्लाई की। तो हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि मैटर के पास एक कैपेबिलिटी होती है, अगर बात करूँ तो वो कैपेबिलिटी क्या है, वो किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब क्वेश्चन था कि वो फोर्स किस तरीके से अप्लाई करता है और कितने टाइप की फोर्स अप्लाई करता है। तो देखिए हमारे नेचर की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर्स जब आप लोग प्रीवियस में जब हमारी फिजिक्स बनना स्टार्ट हुई थी तो हमारे नेचर में बड़ी सारी फोर्सेस थी। हम लोगों को अगर बात करें तो ये कॉमन से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को इस चीज को क्लियर करूंगा।
देखिए आपको मैं अगर बोलता हूँ कि आप लोगों को 1000 क्वेश्चन निकालने किसी एक मैथ की एक एक्सरसाइज के, और आपको बोला जाता है उस 1000 क्वेश्चंस को निकालिए, अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं बताता तो फिर आप लोग उस 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके बनाना स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बेसिकली वहां पे एक फॉर्मूला आपको दे देता हूँ कि एग्जैक्टली आपके ये 1000 क्वेश्चन सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, तो आप उस 1000 को सिर्फ एक के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करोगे। तो आप देखिए, आप पहले जब आपके पास फॉर्मूला नहीं था तो आप लोग उन 1000 क्वेश्चन को अलग अलग इंडिविजुअली देखने की बात कर रहे थे, लेकिन जब आपके सामने एक फॉर्मूला बन के आया तो आप लोगों ने उन्हीं 1000 क्वेश्चन को सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश की। तो बेसिकली वो 1000 क्वेश्चन का बेसिक कॉजेस क्या था, वो एक फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर बात करूं तो हमारे नेचर में भी अगर बात करें, उस वक्त बड़ी सारी फोर्सेस काम कर रही थी, तो हम लोगों ने ये समझा कि उन 1000 फोर्सेस को याद कैसे किया जाए। तो अब हमारे सामने ये कंफ्यूजन थी कि हमारे साइंटिस्ट या हमारे अगर बात करें फिजिस्ट जितने भी थे, उनके सामने ये कंफ्यूजन थी कि एग्जैक्टली हम लोग उन 1000 फोर्सेस को कैसे याद करें। तो हम लोगों ने उन 1000 फोर्सेस को रिड्यूस करके कम से कम करने की कोशिश की, और कम से कम करने का तरीका क्या रखा, हम लोगों ने उनके बेसिक कॉसेस को समझने की कोशिश की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करता हूँ तो मैंने ये चीज एनालाइज करना है, मान लीजिए एक आदमी ये चीज एनालाइज कर रहा है कि हमारा अर्थ अगर बात करते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रहा है, तो इनके बिहाइंड रीजन क्या है, इन चीजों को क्लियर करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली हम लोगों ने जब इन चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला कि बेसिकली हमारे नेचर में अगर बात करें तो एक फोर्स काम कर रही है, जिस फोर्स के कारण अगर बात करूं तो हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है। तो उस फोर्स को एग्जैक्टली अगर बात करें तो नाम दिया गया, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से हम लोगों ने ये कहा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मार्कर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इस मार्कर को मैं छोड़ता हूँ तो ये अर्थ अपनी तरफ इस चीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप बोलते हो इस फोर्स की अगर बात करते हैं, इस फोर्स को नाम देते हो आप ग्रेविटी। इसी तरीके से हमारे नेचर में बड़ी सारी फोर्सेस थी, इन 1000 फोर्सेस को हम लोगों ने कंक्लूड करके रिड्यूस करने की कोशिश की, तो हम लोगों ने इसे बेसिकली कहा कि इस मैटर के पास 1000 फोर्सेस है, लेकिन बेसिकली इनके पास कॉजेस की अगर बात करूं तो इनके बिहाइंड एक ही रीजन काम कर रहा है, वो एक फॉर्मूला काम कर रहा है, इस फॉर्मूले को हम लोगों ने नाम क्या दिया, दैट इज मास। तो हम लोग ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, जो ग्रेविटी फोर्स थी, इन सब चीजों को कंक्लूड करके सिर्फ एक के अकॉर्डिंग इस चीज को समझाने की कोशिश की, वो क्या था, उनके बिहाइंड बेसिक कॉजेस क्या था, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी उस मैटर के पास उस वक्त, दैट इज मास। वो मास जब तक था तब तक वो हमेशा क्या करता था, किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सप्लाई कर सकता था। सो हम लोगों ने अभी तक ये चीज क्लियर की कि जिस जिस बॉडी के पास मास प्रेजेंट होगा उसके पास एक कैपेबिलिटी रहेगी, वो किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर, मास वाली बॉडी के ऊपर अगर बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता था। सो हम लोगों ने इन चीजों के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये पेन अगर बात करता हूँ यहाँ पे रखा है और अर्थ पे मैं खुद खड़ा हूँ, ये पेन अगर बात करता हूँ अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर की, क्योंकि आप लोगों ने इवन की क्लास 11th में भी इस ग्रेविटेशन पॉइंट के बारे में समझा था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अर्थ इस पेन की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा। बेसिकली आप लोगों ने जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर किया गया था, जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होता है उसके पास इतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसी तरीके से अर्थ का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू अगर बात करूं तो इस पेन से, इसलिए अगर बात करूं तो हमेशा अर्थ ही इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। सो हम लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया इस अर्थ के ऊपर दुनिया में अर्थ ही सबसे बड़ा है, और इसके अलावा कोई भी पार्टिकल की अगर बात करते हैं उसका साइज अर्थ के कंपेरिजन बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा अर्थ के पास अगर बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा रहती है। तो हम लोगों ने ये चीज मानना स्टार्ट की कि दुनिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है वो कौन सी होगी, दैट इज हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ठीक है, सो आफ्टर दैट हम लोगों ने इस चीज को और डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया और इनके ऊपर फर्दर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए कि मैटर के पास और कौन सी फोर्स अप्लाई करने का तरीका होता है। तो जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, मैं एक कॉमन से एग्जांपल से फर्दर आप लोगों को इस टॉपिक के साथ रिलेट करता हूँ। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे मार्कर के साथ लिखने की कोशिश कर रहा था और मार्कर के साथ लिखने पे अगर बात करता हूँ तो मार्कर का एक, मार्कर में जो इंक थी उस इंक का एक पार्टिकल अगर बात करता हूँ इस व्हाइट बोर्ड के साथ जाके चिपक गया। अब क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली अगर बात करूं तो इस एक इंक के पार्टिकल की अगर बात करता हूं तो ये अर्थ भी हमारा अगर बात करें इस इंक के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है,
वो भी किस फोर्स के कारण, क्योंकि इनका अगर पार्टिकल की अगर बात करता हूँ तो इनके पार्टिकल के पास भी मास प्रेजेंट है और इस अर्थ के पास भी मास प्रेजेंट है, तो ये दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स काम कर रही है जिस फोर्स को नाम हम लोग क्या देते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो इनका पार्टिकल है ये नीचे नहीं जा रहा, लेकिन अगर बात करता हूँ ये व्हाइट बोर्ड ने इस इनके पार्टिकल को पकड़ के रखा हुआ। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में फर्दर एक अराइज हुआ कि एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये इनका पार्टिकल अगर बात करें तो क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है। हम लोगों ने इस रीजन को ढूंढना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली अभी तक तो हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी थी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो कब काम करती थी, किसी भी दो मासेस बॉडी के बीच में। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर अर्थ ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है इस व्हाइट बोर्ड के कंपैरिजन, क्यों ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड का साइज और एज वेल एज अगर बात करते हैं व्हाइट बोर्ड का मास ले लीजिए या अर्थ का मास ले लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो किसका मास ज्यादा होगा। अब इसलिए हम लोगों को पता है कि अर्थ का मास ज्यादा होगा, जब अर्थ का मास ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो अर्थ भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती है एज कंपेयर टू व्हाइट बोर्ड। तो अगर ऐसी चीज है तो फिर व्हाइट बोर्ड की फोर्स कमजोर होनी चाहिए एज कंपेरेटिवली अर्थ के ऊपर। लेकिन फिर भी इस व्हाइट बोर्ड ने अगर बात करूं इस इंक के पार्टिकल को पकड़ के रखा होगा। ये समझने में वैसा ही है जैसे मैं आपको कहता हूं एक हेल्दी आदमी और एक कमजोर आदमी दोनों के बीच में अगर बात करूं लड़ाई चल रही है कि इस मार्कर को छीनना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हेल्दी आदमी अगर बात करूं इस मार्कर को नहीं छीन पा रहा, ये कमजोर आदमी ने इस मार्कर को पकड़ के रखा होगा। अब क्वेश्चन था कि इस कमजोर आदमी के पास ऐसी कौन सी ताकत आ चुकी है जिसके कारण अगर बात करूं ये इस मार्कर को नहीं छोड़ रहा, ये हेल्दी आदमी इस चीज को नहीं छीन पा रहा, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, इस चीज को क्लियर करना था हम लोगों ने। तो इसी तरीके से अर्थ अगर बात करूं तो इस इनके पार्टिकल को नहीं खींच पा रही थी और इसके बिहाइंड रीजन क्या था, इस चीज को समझना स्टार्ट किया। तो बेसिकली जब हम लोगों ने इस चीज को और अच्छे से डिटेल में स्टडी किया तो अब हम लोगों को क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली अगर बात करूं तो हमारी दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक और फोर्स प्रेजेंट है, जिस फोर्स को हम लोगों ने एग्जैक्टली नाम क्या दिया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करते हैं, जब इसे और डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया, जैसे अगर बात करें तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया कि इसका बेसिक क्लासेस क्या था, दैट इज मास। इसी तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बेसिक कॉसेस क्या था, हम लोगों ने इस चीज के बारे में स्टडी किया तो पता चला कि इसका बेसिक कॉस क्या, चार्ज। सो अभी तक अगर बात करूं तो हम लोगों ने ये चीज अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि मैटर हमेशा किसी भी दूसरी मैटर वाली बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब मैटर के पास दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हमें कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि मैटर टोटल दो टाइप की फोर्स अप्लाई करता था। क्यों दो ही टाइप की फोर्स अप्लाई करता, क्योंकि उसके पास बेसिक कॉसेस क्या थे, दो ही टाइप के थे। अगर बात करता हूं मास के अकॉर्डिंग तो वो मास के अकॉर्डिंग कौन सी फोर्स अप्लाई कर पाता था, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स। अगर मैं बात करता हूं चार्ज के अकॉर्डिंग तो वो कौन सी फोर्स अप्लाई कर पाता था, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम लोग समझते हैं कि ये चार्ज पॉइंटेड क्या था। तो देखिए हम लोग फर्दर इस चीज को और डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया कि मैटर अगर बात करूं तो किस तरीके से चार्ज पॉइंटेड की बात करते हैं। तो मैटर के पास एक और स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके पास एटम प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर बात करूं दुनिया में कोई भी चीज अगर देखी जाए तो वो एटम से बनी हुई है। अब हम लोगों ने एक चीज को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो इस मैटर के पास एक ताकत होती है, कभी इसके पास होती है और कभी इसके पास नहीं होती। अब क्वेश्चन कब होती है और कब नहीं होती, हम लोगों को क्लियर नहीं, इस चीज के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को समझ भी पाए थे। आप लोगों ने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर बात करें एक स्केल लेके, स्केल की अगर बात करते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पेपर पीस रख दीजिए, आप स्केल को पास लेके जाते हो तो देखते हो वो स्केल अगर बात करो उस पेपर पीस को उठा नहीं पाता, लेकिन जैसे ही आप उस स्केल को रब करना स्टार्ट करते हो, रब करने के बाद उसके पास लेके जाते हो तो उस वक्त आप लोग ये चीज एनालाइज करते हो, ये छोटे छोटे जो पेपर पीस हैं ये स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो देखिए अभी अगर बात करूं तो पहले केस में आप लोगों ने जब स्केल को रब नहीं किया था तो आप लोगों ने उस बॉडी को क्या कहा, इसके पास वो ताकत नहीं है कि वो किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उस चीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करे। लेकिन जब आप लोगों ने उस चीज को रब करना स्टार्ट किया तो रब करने के कारण उसके पास एक ताकत आ चुकी थी, एक एनर्जी आ चुकी थी, जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था।
तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया, पहले जब वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था तो उस वक्त हम लोगों ने इसे नाम दिया, दैट इज योर बॉडी कौन सी थी, अनचार्ज्ड बॉडी थी। सो इसी तरीके से जब मैंने इसे रब किया और ये किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर गया तो उस वक्त हम लोगों ने इसे क्या कहना स्टार्ट कर दिया, ये कौन सी बॉडी, चार्ज बॉडी। सो आप लोगों को बेसिकली अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ कि चार्ज एग्जैक्टली है क्या। चार्ज सिंपल वर्डिंग में अगर कहूं तो किसी भी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का एक जरिया है। अब ये चार्ज कब आता और कब नहीं आता ये डिपेंडेड है कि आप किस तरीके से उस बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हो। क्योंकि अगर बात करूं नॉर्मल कंडीशन पे हमारी हर एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। सो हम लोग अभी बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको टोटल दो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस चीज को प्रैक्टिकली देखिए, फिर आपके डाटा आप लोगों को क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या सच में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के तरीके हैं। और ये बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन चीजों को क्लियर कर पाओगे। ओके, सो अब एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। कैसे काम करता है, दैट इज किस तरीके से प्रोड्यूस होता है आफ्टर रबिंग। आपको कहा गया कि जैसे ही आप किसी चीज को बॉडी को रब करोगे तो वैसे ही इस बॉडी के पास चार्ज आ जाता है। तो अब लेट हम लोग इस चीज को एक एक्सपेरिमेंटली वे से इस चीज को देखते हैं क्या सच में ऐसी चीज होती कि नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज एग्जाम्पल बता दूं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सिंपली दो स्ट्रॉज चाहिए। अब आप देखिए, एक स्ट्रो की अगर बात करें तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली वो दो स्ट्रोज लेके इनको रब तक नहीं किया होगा, बस इन दो स्ट्रो को लेके मैं एक दूसरे के पास लेके जाता हूँ तो देखते हैं क्या मूवमेंट होती है यहाँ पे। सो देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ तो अभी मैंने चार्ज नहीं किया हुआ तो ये कोई भी मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिख रही। आप किसी भी एंगल से अगर इस स्ट्रो को इसके पास लेके जाओगे तो यहाँ पे कोई भी हलचल आप लोगों को नहीं दिखेगी। अब हम लोग काम क्या करते हैं, इस दोनों स्ट्रोज को रब करने की कोशिश करते हैं और रब करने के बाद क्या फिनोमिना होगा इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं और फिर इसके कारण क्या मूवमेंट हो गए और क्यों हो रहा है, इनके बिहाइंड रीजन, इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ने अभी रबिंग किया है तो रबिंग करने के बाद देखते हैं क्या चीज हो रही है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं स्ट्रो को दूसरी स्ट्रो के पास लेके जा रहा हूँ तो ये अभी आप देख लीजिए मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है इस पाइप में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ। देखिए ये मूवमेंट कैसे हो रही है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखिए, बिना एक पाइप के साथ दूसरी पाइप को मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी आप लोगों को यहाँ पे मूवमेंट होती हुई दिख रही है। इसके बिहाइंड रीजन क्या, अब इस चीज को क्लियर करते हैं। बेसिकली पहले दोनों अगर बॉडीज की अगर बात करूँ, ये दोनों स्ट्रोस में कोई भी चार्ज नहीं था क्योंकि मैंने इनको रब नहीं किया था तो ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। बट आफ्टर दैट जैसे ही मैंने दोनों स्ट्रोस को रब करने की कोशिश की, रब करने के कारण दोनों में चार्ज एक्वायर किया गया। अब जैसे ही आप इन दोनों स्ट्रोस को अपने हेयर्स के साथ इस चीज को रब करने की कोशिश करोगे तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करूँ तो इनके पास दोनों के पास चार्ज आ जाता है। आप दोनों के पास सेम टाइप का चार्ज है और आप लोग बेसिकली ये भी पढ़ते आ रहे हो कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी एनालाइज कर रहे हो कि यहाँ पे भी सेम टाइप के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा और इसमें भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा और इनके बिहाइंड रीजन क्या है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड करते हैं हम लोग। अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में देखिए, ये एक्सपेरिमेंट तो इवन कि आप लोग ने छोटे हुए किया होगा, बार बार रिपीट भी किया होगा। अब इनके बिहाइंड रीजन क्या है इस चीज़ के बारे में आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, आप लोगों ने ये बचपन में किया था कि पेपर पीस रखते थे, आप लोग छोटे छोटे पेपर पीस रखते थे और बाद में एक स्केल को लेके बालों से रब करते थे और आफ्टर डैट उनके पास लेके जाते थे और फिर आप लोग देखते थे कि वो पेपर पीस उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते थे। अब इनके बिहाइंड रीजन क्या है और इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली फर्दर कंटिन्यू करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने इस बैलून को अभी तक रब नहीं किया होगा, जब रब नहीं किया तो देखिए कोई भी पेपर पीस इस बैलून की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा,
लेकिन जब मैं इस बैलून को रब करूंगा और रब करने के बाद इस चीज़ को देखने की कोशिश करूंगा तो देखिए आप लोग कुछ ना कुछ मूवमेंट होती हुई दिखेगी, ये पेपर पेज बैलून की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे और इसके बिहाइंड रीजन क्या है मैं आप लोगों को वो भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंप्लीटली देख लेते हैं। ओके सो अभी मैं इस बैलून को रब करता हूँ, रब करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सो देखिए आफ्टर रबिंग अगर बात करता हूँ तो इस बैलून को जैसे ही मैं इस पेपर पीस के पास लेके जाऊंगा तो देखिए ये पेपर पीस इस बैलून की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए ये मैं यहाँ पे इसके पास लेके जा रहा हूँ, अभी मैं इसके साथ पास लेके आ रहा हूँ तो देखिए ये पेपर पीस अगर बात करूँ तो इस बैलून की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कुछ पेपर पीस अगर बात करते हैं यहाँ बैलून के साथ अट्रैक्ट भी हुए हैं। अब इनके बिहाइंड रीजन क्या था मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके सो अभी हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। ओके सो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग ने ये चीज़ समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो पेपर पीस अगर बात करता है तो किस तरीके से उस बैलून को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो अभी हम लोग काम क्या करते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट ऐसा क्यों हो रहा था। अब देखिए मैं इस चीज़ को ये टोटल तीन स्टेप में इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फर्स्ट स्टेप पे अगर बात करूँ तो बिफोर रबिंग, जब मैंने इस चीज़ को रब नहीं किया था तो उस वक्त पॉइंटेड क्या था। देखिए ये मेरा पेपर पीस था, इस पेपर पीस की अगर बात करते हो तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से ही जानकारी है कि एग्जैक्टली कोई भी चीज़ अगर दुनिया में है वो एटम से बनी हुई है और एटम्स के अंदर दैट इज पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल क्वांटिटी पे रहते हैं और इसलिए हम लोग उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करता हूँ तो इस पेपर पीस में जितना पॉजिटिव चार्ज था इतना ही नेगेटिव चार्ज था और बैलून के अंदर भी सेम पॉइंटेड था, जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव चार्ज था, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। और आप लोगों ने ये चीज अच्छे से क्लियर की हुई है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को हमेशा क्या करता है अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई दो चीजें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगी तो उनके बीच में कोई भी आप लोगों को मूवमेंट होती हुई नहीं दिखी। इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो पहले स्टेप में भी आप लोगों ने यही चीज क्लियर की, पहले स्टेप में जब मैंने उस बैलून को रब नहीं किया था तो रब ना करने के कारण अगर बात करते हैं ये बैलून उन पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आफ्टर रबिंग अगर बात करते हैं जैसे मैंने उस बैलून को रब करने की कोशिश की, जब मैंने रब किया तो रब करने के कारण अगर बात करते हैं उस बैलून पे कुछ चार्ज अक्वायर होना स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने उसे हेयर के साथ रब करने की कोशिश की तो कुछ नेगेटिव चार्ज वहां से हेयर से अगर बात करते इस बैलून की तरफ ट्रांसफर हो चुके थे, जिसके कारण इस बैलून के ऊपर अगर बात करें तो नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका था, इसलिए हम लोग इस बैलून को क्या कह रहे थे ये चार्ज हो चुका है। अब जैसे इस बैलून को उस पेपर पीस के पास लेके जा रहे थे तो इस पेपर पीस में पॉजिटिव चार्ज भी थे और नेगेटिव चार्ज भी थे, तो बैलून के जो नेगेटिव चार्ज थे आप लोग ये अच्छे से पढ़ते आ रहे हो कि सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं और ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को ये भी चीज अच्छे से क्लियर है कि हमेशा कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा किस चीज को अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, इसलिए और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस चीज को रिपेल करता है नेगेटिव को, इसलिए क्या हुआ जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए वो नेगेटिव चार्ज ने किन चीजों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, इस पेपर पीस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको अक्वायर करके एक साइड ले आए और जो इनके सेम चार्ज थे उनको रिपेल करके दूर भेज दिया, जिसके कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गए। इसी कारण अगर बात करता हूँ जब मैंने इस बैलून को रब करना स्टार्ट किया था तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करता हूँ तो वो उस बैलून की अगर बात करते हैं ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करता हूँ उस पेपर पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका था। तो इसके बिहाइंड क्या रीजन था ये हमारे पास एक सिंपल सी अगर बात करें इस चीज की क्लैरिफिकेशन थी। देखिए ये चीज आप लोग बचपन से इस एक्सपेरिमेंट को करते आ रहे हो लेकिन इनके बिहाइंड रीजन क्या था इन चीजों को आप लोगों को अभी तक क्लियर नहीं था। सो अब हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट।